खाने के बाद लेटना। अकबर बिरबल की कहानी। किसी समय बिरबल ने अकबर को यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट जा और मारकर भाग जा। यह सयाने लोग की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं, जिंदगी में उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन अकबर को अचानक ही बिरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा, बिरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बिरबल के पास भेज दिया। नौकर ने अकबर का आदेश बिरबल को सुना दिया। बिरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बिरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस दिन बिरबल ने पहनने के लिए चुस्त पाजामा चुना। पाजामा को पहनने के लिए वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गए। पाजामा पहनने के बहाने वे काफी देर बिस्तर पर लेटे रहे, फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बिरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, कहो बिरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था जहां अपना। बिरबल की बात सुनकर अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। हम तुम्हें हुक्म उदुली करने की सजा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुरंत बुलाया था, फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। आप तो पैगाम ले जाने वाले से पूछ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि चुस्त पाजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था, बिरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकबर बादशाह बिरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्कुरा पड़े।